नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि अगर दिल में जज्बा और दिमाग में आगे बढ़ने का कीड़ा हो तो फिर कोई भी बाधा आपके कदमों की जंजीर नहीं बन सकती। जिसके बारे में ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जानने के बाद आप इस बात को भी सच मानेंगे कि असली उड़ान हौसलों से होती है, और ये उड़ान जब आसमान को चूमती है तो पंख वाले भी बहुत नीचे नजर आते हैं। खैर, ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि आज यहाँ के एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर इस माटी का एक बेटा लंदन में अपने देश का नाम रोशन करने जा रहा है, और अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ की प्रतिभा का लोहा मनवाने भी। दरअसल सिवान जिले के आंदर प्रखंड के अंतर्गत पीपरा गांव के रहने वाले अखिल रंजन को ट्विटर के साथ काम करने का मौका मिला है। आधिकारिक तौर पर 12 जुलाई लंदन ऑफिस ज्वाइन करने के बाद वे ट्विटर के मोमेंट्स इंडिया पेज के लिए बतौर क्यूरेटर काम करेंगे। अखिल इससे पहले बीबीसी और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी एएफपी जैसी मीडिया संस्थाओं में बतौर पत्रकार काम कर चुके हैं। पीपरा गांव निवासी और पूर्व शिक्षक अवधेश कुमार प्रसाद के पुत्र अखिल रंजन ने दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू से फारसी भाषा की पढ़ाई की। जेएनयू से बीए और एमए करने के बाद इन्होंने साल 2011 में दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया। पिछले 10 सालों से विभिन्न देशी विदेशी मीडिया संस्थानों में काम करने वाले अखिल लगभग 6 साल से ज्यादा समय बीबीसी मॉनिटरिंग के दक्षिण एशिया विभाग से जुड़े रहे। इस बीच अखिल गूगल और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भारत में फेक न्यूज की रोकथाम के लिए काम करते रहे हैं। गूगल से फैक्ट चेक ट्रेनर का सर्टिफिकेट मिलने के बाद वे पिछले 3 सालों से पत्रकारों और पत्रकारिता के छात्रों को फेक न्यूज और फैक्ट चेक की ट्रेनिंग भी देते रहे हैं। कक्षा 7वीं तक की पढ़ाई गांव के स्कूल में करने के बाद अखिल सिवान शहर में अपने दादा और पूर्व शिक्षक गुरुवचन भक्त की देखरेख में महावीरी विद्या मंदिर से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। अखिल का मानना है कि कई शिक्षकों वाले परिवार में उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बेहतर माहौल मिला है। पत्रकारिता के अलावा कला, साहित्य, इतिहास, संस्कृति और गीत संगीत में गहरी रुचि रखने वाले अखिल घुमक्कड़ मिजाज के आदमी हैं, जो मोटरसाइकिल से देश विदेश में कई लंबी यात्राएं भी करते रहे हैं। बहरहाल अखिल की इस कामयाबी से न सिर्फ उनके घर के लोग बल्कि उनके दोस्त और चाहने वाले लोगों की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी उनके और भी आगे बढ़ने की कामना कर रहे हैं, तो वहीं बधाई देने वालों का फिलहाल तांता लगा हुआ है। अखिल की कहानी हमें प्रेरित करती है और ये बताती है कि अगर इंसान चाह ले तो कुछ भी अछूता नहीं रह जाता। कहने का मतलब ये है कि इंसान के दिल में अगर आगे बढ़ने का जज्बा हो और उस हिसाब से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता जाए तो बेहिचक एक दिन निखिल जैसे मुकाम को प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं कि सबके लक्ष्य एक समान हो, पर हर लक्ष्य के पीछे भागना जरूर पड़ता है। ये अखिल की कहानी से सीखा जा सकता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।